मेरे कमले वाले करीम नबे लज पाल नबे दुआ फरमा रहे ने मेरे अल्लाह इस्लाम नु इज्जत दा फरमाई उमर इस्लाम दे अंदर दाखल हो ले इस्लाम दे जरिए उमर दे जरिए इस्लाम नु ताकत अता फरमाई इज्जत अता फरमाई पता चलिया मदीने वाले दस रहे थे कि अगर इस्लाम नु इज्जत मिली है उमर फरूक दी वजह नाल मिली है अगर इस्लाम नु इज्जत मिली है हजरत उमर फरूक दी वजह नाल मिली है आओ हजरत गिरामी फिर मेरे ते तेरे करीम नबी लजपाल नबी दियां हदीसां सुनो ईमान ताजा करदे जाओ हजूर ने फरमाया आसमाना वाले भी खुशियां मना रहे ने जमीन वाले भी खुशियां मना रहे ने हजरत हर चीज जड़ी है खुशियां मना रही है उमर फरूक इस्लाम दे अंदर दाखल हो चुके ने कमली वाले करीम नबी लजपाल नबी मेरे ते तेरे करीम नबी दुआ फरमा रहे ने आओ हजरत गिरामी फिर दुआवां दा सिला भी मिल रहा है मेरे करीम नबी ने फरमाया इस्लाम नु इज्जत अता की जा रही है इस्लाम नु इज्जत मिल रही है एक दिन मेरे ते तेरे करीम नबी लजपाल नबी सहाबा दे मजमे दे अंदर बैठे ने सहाबा ने अर्ज की सोनिया कमली वाले मदीने दिया ताजदारा लजपाला किसे अपने गुलाम दिया शाना बयान करो मेरे ते तेरे करीम नबी लजपाल नबी रब्बे काबा दी इज्जत की कसम उमरे फरूक दिया शाना खुद बयान फरमा रहे ने आए हजूर उमरे फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दियां खुद शाना बयान फरमा रहे ने उच्ची बोलो सुभान अल्लाह कि जिस वेले काफरां ने मीटिंग कीती माजल्ला मेरी और तुहाडे आका इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कतल दी उमरे फरूक अलैहि सलाम अंदर दाखल नहीं हुए कहन लगे मैं नबियां दे सरदार ते मुसलमानां दे आका दा सर कलम करके तुहाडे कोल लेके आवांगा तलवार ने आम जो निकाली ते चलदियां जा रही ने रस्ते दे अंदर सरकार दे को गुलाम मिले हजरत नुएम रजी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे कि उमर किधर जा रहे हैं आखिया मैं मुसलमाना दे नबी दा माजल्ला सर कलम करन वास्ते जा रहा वां आखिया पहला अपने घर दा पता ले तेरे पहनोई और तेरी हमशीरा ने उस मदीने वाले दा कलमा पढ़ लिया ते उन्हां दे गुलाम बन गए ने हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रस्ता तब्दील फरमाया अपने पहनोई और मशीरा दे घर जा रहे ने जाके दरवाजे नु दस्तक दीती जिस वेले हजरत दस्तक दीती अंदरों कुरान पढ़न दी आवाज आ रही है हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी हमशीरा और आप दे पहनोई नु सूरा ताहा दी तिलावत करके सुना रहे ने कुरान पढ़ा रहे ने कुरान सिखा रहे ने हजरत उमर फरूक ने जोर दे नाल दरवाजा खटखटाया जिस वेले दरवाजा खोलिया गया हजरत उमर फरूक दे पहनोई सामने खड़े हो गए आपने फरमाया की पे करते सो आखिया सी अल्लाह दे कुरान दी तिलावत पे करने से अल्लाह दे कुरान दी तिलावत पे करने सा हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला नु गुस्सा आया आखे अपने बाप दादे दे दीन नु छोड़ के नया दीन अपना लिया जे आखे असी ओ दीन अपनाया जेड़ा सरा सर हके ते सच्चे आपने अपने बहनोई दे मुंह ते तमाचा मारिया तमाचा मारन दी देर सी आप दे सामने आप दी बहन खड़ी हो गई हजरत हजरत उमर फरूक ने जिस वेले उन्हां नु झंझोड़िया आखिया उमर जान ते जा सकदी है लेकिन नबी दा पढ़ाया कलमा जुबान तो नहीं जा सकदा
जिस वेले राणा साहब ऐनी गल कीती मेरे ते तुहाडे करीम नबी लजपाल नबी दे गुलाम हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हो अलैहि सलाम अंदर दाखल नहीं हुए। आप फरमान लगे ए मेरी मशीरा तू ते मेरे सामने खलोन दी जुर्रत नहीं रखदी रही ते अज मेरे सामने तो गल बात पई करनी है, मेरे सामने गल पई करनी है, मेरा मुकाबला पई करनी है। आखे उमर जानना है जिस मां दा दूध तू पीता है उसे मां दा दूध मैं भी पीता होया है। पहला तेरी हया करनी सा, पहला तेरा अदब करनी सा के तू भाई है ते भाई समझ के तेरा अदब ते एहतराम करदी रहियां। आज तो बाद तेरा अदब ते एहतराम नहीं होएगा क्योंकि तू हला काफर मुशरक है तो कलमा नहीं पढ़िया। मैं कलमा पढ़ के जनाबे मोहम्मद मुस्तफा दी गुलाम बन गई हुई है। तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। रिश्ता पहला साडा ऐसी लेकिन हुन रिश्ता कोई नहीं रहा। पता चलिया गुलामां दे आपस अंदर रिश्ते हुंदे ने, बेईमानां दा रिश्ता गुलामां नाल हुजूर दे नाल कोई नहीं हुंदा। लोग कई सवाल करते नहीं जी कादियानियां नाल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं क्या जड़ा तेरे नबी नूं भौंके ते तेरे नबी दी जात ते तानो तशनीह करे ते तेरे नबी दा इनकार करे तो उहदे नाल खान पीन नूं किवें पसंद करना है। असी ते खाने भी उहदे नाल आ जिहड़ा मुहम्मद दा गुलाम होवे, पीने भी उहदे नाल आ जिहड़ा मुहम्मद दा गुलाम होवे, पहने भी उहदे नाल आ जिहड़ा मुहम्मद दा गुलाम होवे, खड़ा भी उहदे नाल हुंने आ जिहड़ा मुहम्मद पाक दा गुलाम होवे। ਸਾਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੋ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਯਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ। ਬਿਹਨੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਅਦਬ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਏ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਉਮਰ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਚੰਦ ਲਮਹਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਏ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਤੇ ਬੇਨੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਦ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ ਤੇ ਸੁਥਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਪਲੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਨੂੰ ਫੜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਫੜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਬੇਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
आखिया कुरान में नवे सुना मैं भी कुरान पढ़ना चाहना कुरान सीखना चाहना तिलावत जड़ी करना चाहना वा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला हो मेरे करीम नबी के गुलाम जिस वेले कुरान पहनाई गलो ते मशीरा गलो सोरे ने दिल जड़ाए ओ नरम हो जांदे दिल दी दुनिया बदल जांदी है दिल दे हालात तब्दील हो जांदे ने करीम नबी लजपाल नबी के गुलाम अर्ज करदे ने ऐ मेरे बहनोई मेरी हमशीरा मेनू भी मदीने वाले दी बारगाह च लै चलो मेनू भी आका दी बारगाह च लै चलो जिदा तुसे कलमा पढ़िया मैं भी ओदा हुसैन चेहरा वेखना चाहना ओदियां वल्लैल ज़ुल्फां वेखना चाहना वा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम हजरत उमर फारूक चलदियां चलदियां मेरे करीम नबी दी बारगाह दे अंदर जा रहे ने इस वेले करीम नबी दे गुलामां ने आंदियां वे हजरत अमीर हमजा मेरे करीम नबी दे चचा जान ने वेखिया एक दूसरे दे नाल गल बात कर रहे ने गुफ्तगो फरमा रहे ने उमर अगर चंगे इरादे दे नाल आया ते ठीक है अगर कोई होर इरादा लेके आया ते एदी गदा जड़ा सिर एदी तलवार दे नाल जड़ा कलम कर दिता जाएगा मेरे करीम नबी लजपाल नबी अंदर तशरीफ फरमाने जिस वेले मदीने वाले नो पता चलिया हजूर बार तशरीफ लेके आए ने लजपाल करीम नबी ने फरमाया मेरे सहाबा ऐ परेशान आयो आज उमर खुद नहीं आ रहा उमर नो बुलाया गया है उमर जड़ा मेरी दुआवां दा सरे हजरा जिस वेले मेरे करीम नबी लजपाल नबी ने फरमाया खुद नहीं आया नो लियाया गया बुलाया गया है आके मेरे करीम नबी लजपाल नबी दी बारगाह दे अंदर हाजरी खिदमत दो के अर्ज करदे ने सोनिया कमली वाले उमर नो कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लिया जे कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लिया जे अज तुहाडी बारगाह दे अंदर आ गया तुहाडी बारगाह दे अंदर आ गया वा हजरत उमर फारूक ने कलमा पढ़ लिया मदीने वाले दे गुलाम बन गए ने अर्ज करदे ने सोनिया हुण लुक के नमाजा नहीं पढ़ांगे छुप के नमाजा नहीं पढ़ांगे लजपाला कमली वालिया लब्बे काबा दी इज्जत दी कसम हर में काबा दे अंदर जाके असी तुहाडी इक्तदा दे अंदर अजान भी पढ़ांगे नमाज भी पढ़ांगे मदीने दिया ताजदारा सी नमाज भी पढ़ांगे तुहाडी इक्तदा दे अंदर अजाना भी पढ़िया जानगियां अजाना दी आवाज भी बुलंद होएगी नमाज भी अदा कीती जाएगी आओ हजरत गिरामी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला हो जिस वेले मेरे करीम नबी लजपाल नबी दे गुलाम बन जांदे ने कायनात दे लोगो करीम नबी लजपाल नबी सहाबा दे नाल खुशी फरमा रहे ने हजूर खुशी दा इजहार फरमा रहे ने रब्बे कायनात भी खुशी फरमा रहे आए लोगो किताबां दा मुतालिया करके बात पढ़िए हजरा जिम्मेदारी नाल अर्ज कर रिया वा मेरा रब भी हजरत उमर फारूक दे ईमान लियां ते खुशियां मना रहे मेरे कमली वाले भी खुशियां मना रहे ने कायनात दे लोगो तमाम सहाबा खवातीन मर्द जड़े ने खुशियां मना रहे ने जबरील अमीन मेरे कमली वाले दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज करदे ने सोनिया लजपाला जिवें तुसी खुशियां मना रहे हो रब्बे कायनात खुशियां मना रहे ने तुहाडे तमाम गुलाम उमर फारूक दे ईमान दी वजह नाल खुशियां मना रहे ने सोनिया जमीन वाले भी खुशियां मना रहे ने
मैं जबरील दे करना रब्बे काबा दी सदी कसम आसमाना दे फरिश्ते भी आज ईमाने उमर दे खुशियां मना रहे ने हजरत उमर फरोख ने ईमान लिया दी वजह दे नाल अल्लाह दे फरिश्ते भी खुशियां मना रहे ने आओ कमली वाले करीम नबी लजपाल नबी नाले खुशियां मना रहे ने ते नाले मेरे आका ऐ फरमा रहे होणगे तुम्हें यारो मुबारक हो उमर बने पढ़न तो भी कुर्बान ना जामा में जड़ा ईमान वाला हाथ खड़ा करे यदि थोड़ी जी ना डबलिंग कटाओ ते माइक वाली सिर्फ दबो बिल्कुल ताकि समझ में देर लगे हैदर साउंड दे बड़े कमाल ने माशाल्लाह ते हैदर ते फिर हैदर ही होता है ना एक अली हैदर ते कैदर हैदर बैठा है उची बोलो जरा सुभान अल्लाह ईमान वाला हाथ खड़ा करे सुंदरा माशाल्लाह जिंदाबाद सारे असी ईमान वाले बैठ बैठे ते खुशी हजरत उमर फरूक दे ईमान लियान ते ईमान वाले ने मनाई सी एना ते पता है ना मैं हदीस कोट कर रहा हां बड़ी मेहरबानी कि ईमान वाले नु खुशी होई सी काफरां दे हजरात محلہ دے اندر زلزلہ برپا ہو گیا جس ویلے حضرت عمر فاروق میرے آقا دے غلام بنے نے کافراں نے خوشی نہیں کیتی ایمان والے نوں بڑی خوشی محسوس ہوئی سی تے اسی سارے ایمان والے ہاں سانو بڑی خوشی حضرت عمر فاروق دی نالے حضرت عمر فاروق ایمان لے کے آئے تے آسمان والے نے بھی خوشیاں منائیاں نے تے پھر میرا تہاڈا بھی دل کردا ہے نا خوشی منا کے مل کے پڑھیے تے جنے جنے پڑھنا ہے انہیں پڑھنا ہے تے جنے نہیں پڑھنا منہ تھلے کر لے میں اودے تے کوئی افسوس نہیں ہوئے گا کیونکہ جو خوشی ایمان والے نہیں کرنی ہونی آؤ حضرات گرامی پھر کہہ لو تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا तुम्हें यारो मुबारक हो उमर बने खिताब आया खुदा से मैं لجپال نبی دعا فرما رہے نے دعا کی کر رہے نے او حضرات دعا دا ذکر سناواں کملی والے کریم نبی دعا فرما رہے نے اللہم اید الاسلام بی عمر بن الخطاب سلام نو مدد تا مدد عطا فرما عمر دے ذریعے سلام نو مدد دیویں ایک جگہ تے کملی والے کریم نبی دعا فرما رہے نے اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب کملی والے
वाले करीम नबी लाजपाल नबी दुआ फरमा रहे ने मेरे अल्लाह इस्लाम नु इज्जत अता फरमाई उमर इस्लाम दे अंदर दाखिल हो ले इस्लाम दे जरिए उमर दे जरिए इस्लाम नु ताकत अता फरमाई इज्जत अता फरमाई पता चलिया मदीने वाले दसरे से के अगर इस्लाम नु इज्जत मिली ए उमर फरोख दी वजह नाल मिली ए अगर इस्लाम नु इज्जत मिली ए हजरत उमर फरोख दी वजह नाल मिली ए आओ हजरत गिरामी फिर मेरे ते तेरे करीम नबी लाजपाल नबी दियां हदीसां सुनो ईमान ताजा करदे जाओ हजूर ने फरमाया आसमान वाले भी खुशियां मना रहे ने जमीन वाले भी खुशियां मना रहे ने हजरात हर चीज जड़ी है खुशियां मना रही है उमर फरोख इस्लाम दे अंदर दाखिल हो चुके ने कमली वाले करीम नबी लाजपाल नबी मेरे ते तेरे करीम नबी दुआ फरमा रहे ने आओ हजरात गिरामी फिर दुआवां दा सिला की मिल रहे है मेरे करीम नबी ने फरमाया इस्लाम नु इज्जत अता कीती जा रही है इस्लाम नु इज्जत मिल रही है एक दिन मेरे ते तेरे करीम नबी लाजपाल नबी सहाबा दे मजमे दे अंदर बैठे ने सहाबा ने अर्ज कीती सोणिया कमली वाले मदीने दिया ताजदारा लाजपाला किसे अपने गुलाम दिया शाना बयान करो मेरे ते तेरे करीम नबी लाजपाल नबी रब्बे काबा दी इज्जत की कसम उमर फरोख दिया शाना खुद बयान फरमा रहे ने आए हजूर उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दियां खुद शाना बयान फरमा रहे ने उच्ची बोलो सुभान अल्लाह हजरत ग्रामी हुन शाना सुनो मेरे कमली वाले हजरत उमर फरूक दियां शाना बयान फरमा रहे ने उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह सियाबा ने जिस वेले अर्ज कीती ना ते हजूर हजरत उमर फरूक दियां शाना बयान फरमा रहे ने ते सुनन वास्ते जबरीले अमीन भी हाजिर हो कौन हाजिर होए उच्ची बोलो यार उच्ची बोलो सुभान मैं तुहानू कोई गप ते किस्सा ते कहानी नहीं सुना रहा मैं तुहानू मदीने वाले दे फरमान सुना रहा उच्ची बोलो यार उच्ची बोलो सुभान अल्लाह अजकल साडा मिजाज की बन गया जड़ा खतीब होते झूठ बोले ना सी उन्हों वड़ा खतीब बनाया तो मैं तो अनु मदीने वाले दे फरामीन सुना रहे हैं अपने कलूबो जहान नु मनबर फरमाओ हजराते गिरामी ओ गल्ला सुना रहे हैं जड़ा मदीने वाले ने अपनी जुबान अकदस चो बयान फरमाईया हुई हैं अल्लाह अकबर कबीरा तवज्जो रखना जबरीले अमीन हाजिर होए तो मेरे करीम नबी लाजपाल नबी दी बारगाह च जिस वेले आए ना तवज्जो ना सुनना ते हजूर ने जबरीले अमीन नु पुछया जबरील एक गल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछो हजूर ने फरमाया आज मेरे उमर दियां ओ शाना बयान फरमा जड़ियां शाना उमर दियां समाना ते बयान कीतियां जांदियां ने इंज नहीं यार दब के सारे बोलो सुभान अल्लाह मैं इंतहाई थोड़े वक्त के अंदर दो चार बातें अर्ज करनिया ने उच्ची बोलो जरा दब के सुभान अल्लाह आखे आज मेरे उमर दियां ओ शाना बयान फरमा जड़ियां आसमान ते मेरे उमर फरूक नु शाना मिलियां ने मेरे गुलाम नु शाना मिलियां ने अर्ज कीती लाजपाला कमली वालिया मदीने दिया ताजदारा अगर आसमान वालिया शाना तुहाडे उमर दियां बयान करां ते मैनूं एक साल नहीं दो साल नहीं तीन साल नहीं एक सौ साल नहीं दो सौ साल नहीं तीन सौ साल नहीं मदीने वाले ने फरमाया फिर किन्ने सौ साल चाहिए ने अर्ज की लाजपाला कमली वालिया जे उमर दिया समान वालिया शाना बयान करा ते मेनू हजरत नूह जिनी उम्र साढ़े नौ सौ साल चाहिए अगर साढ़े नौ सौ साल भी उमर फरूक दिया समान वालिया शाना बयान करा सोनिया साढ़े नौ सौ साल खत्म हो जाएंगे उम्र दिया शाना खत्म नहीं बोलो जरा दब के सुभान अल्लाह
950 साल खत्म हो जाएंगे उम्र फरूक दिया समान वाली शाना खत्म बोलो नहीं होनगिया उम्र फरूक रजी अल्लाह होती शान है मुकाम है जड़ा जबरीली अमीर बयान कर लिया है फरमाया सोनिया अगर 950 साल भी मैं उम्र फरूक दिया समान वाली शाना बयान करा हजरात जमीन वाली शाना लैदा ने फरमाया अर्ज की अगर 950 साल की उम्र होवे मैं उम्र दिया समान वाली शाना बयान करा उम्र मुक जाएगी उम्र दिया शाना बयान कमा हक हो उम्रे फरूक दिया शाना बयान नहीं कर सकांगा हजराते गिरामी जिस वेले ऐनी गल होई ना ते मेरे ते तुहाडे आका इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उमर नु कोल बुला के ते उमर दी पेशानी ते बोसा दित्ता उम्रे फरूक दी बोलो ते सही यार पेशानी ते बोसा दित्ता मैं एक जुमला कह के अगली हदीस सुनानी है ओ यार अगर गुलाम दियां इन्नियां शाना ने ते फिर आका दियां किन्नियां कु शाना होंगियां ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਾ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਅਗਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਆਖਿਆ ਲਜਪਾਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾ ਕਸਮ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਚ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਤੱਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਮਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਯਕਮ ਮੁਹਰਮੁਲ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰ ਵਗ ਗਈ ਹੈ ਸੁੰਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਮਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਗਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸ਼ਾਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਅਗਰ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਏ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਏ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਏ ਸੁੰਨੀਓ ਆਪਣੇ ਬਖਤਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਅਦਬ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੱਕ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਯੂਸ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਮੇ ਸਿਆਬਾ ਮਨਾਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਯੋਮੇ ਸਿਆਬਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਹਰਮੁਲ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ
और सहाबा जो फिर दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक दी शान बयान कर रहे हैं। जरा सुनो, जरा उमर फारूक दी शान एक दफा उच्ची बोलो, सुभान अल्लाह। मेरे ते तुहाडे आका इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, कियामत दा दिहाड़ा होएगा। केड़ा दिहाड़ा? कियामत दा दिहाड़ा होएगा। हजरत उमर फारूक नु आवाज पेगी, हदीस सुनोगे ईमान ताज़न आवे, मेरे जुमले वापस कर दे आजे। आवाज पेगी हजरत उमर फारूक, खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता चलदियां चलदियां जिधरों आवाज आई है उधर चलते जाएंगे। हजराते ग्रामी आवाज किदी होएगी? जिन्हें सारी कायनात में पैदा फरमाया उस रब की आवाज आएगी। नहीं 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 नहीं, उच्ची बोलो यार रब के, सुभान अल्लाह। कयामत दिहाड़े मेरे के तेरे करीब नबी लजपाल नबी ने फरमाया आवाज आएगी। सब तो पहला आवाज उमर फारूक नो लगाई जाएगी। उमर फारूक आदरी खिदमत होंगे रब्बे कायनात हजरत उमर फारूक दे नाल। हजरत मुसाफा फरमाएगा, सलाम फरमाएगा, मुसाफा फरमाएगा, फिर रब्बे कायनात सलाम फरमाएगा। हजरत उमर फारूक नो सलाम की जाएगी। कायनात लोगो, फिर एक फरिश्ता आएगा जड़ा हजरत उमर फारूक दा बाजू पकड़ के उन्होंने जन्नत के अंदर लेके जाएगा। फबा के सजा के जन्नत के अंदर दाखल फरमा देगा। इब्ने अब्बास फरमा दे ने फिर मेरे ते तेरे करीम नबी लजपाल नबी ने फरमाया कियामत दे दिहाड़े हजरत उमर फारूक दियां शाना की होनगियां। उमर फारूक दा मकाम की होएगा? मेरे ते तेरे करीम नबी लजपाल नबी ने फरमाया रब्बे कायनात उमर दे चेहरे नु वेख के मुस्कराएगा। रब्बे कायनात उमर दे चेहरे नु वेख के मुस्कराणगे। आओ हजरात, सिर्फ ऐसे ही गल नहीं मुकी, जरा तवज्जो फरमाया जे। फरमाया इन्नल्लाह नज़रा इलैका बिर्रहमती व शफ़क़ती। ओ कायनात के लोगों, मेरा रब उमर फारूक वल नजरे रहमत फरमाएगा, नजरे शफकत फरमाएगा। केड़ी रात होएगी? लैलतुल अरफाते, अरफा दी रात होएगी। उमर फारूक ते रब्बे कायनात नजरे रहमत फरमाएगा। आओ हजरात, मेरे ते तेरे करीम नबी लजपाल नबी ने फरमाया, थई गल नहीं मुकेगी। फरमाया बाजा आला कामी फताहुल इस्लाम, जी मौला हुकम होए। फरमाया तू जड़ी तेरी जात है, तू जड़ तेरा मुकाम की है, तेरी जात की है। यार रब्बे कायनात मेरा मुकाम की है, मेरी इज्जत फदाई फरमाया दे। हजरात फरमाया तू इस्लाम दी चाबी है, ऐ उमर तू इस्लाम दी चाबी है। इस्लाम अगर खोलिया जाएगा, इस्लाम नो अगर ताकत मिली है, तेरी वजह नाल मिली है, तू इस्लाम दी चाबी। आओ हजराते गिरामी, मैं केड़ी केड़ी शान हजरत उमर फारूक ने बयान फरमावा। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर सहाबा नाल वेखो ते उमर प्यार कर रहे ने, अगर हजरात सहाबा नाल वेखो ते प्यार कर रहे ने, अगर आले रसूल नाल वेखो ते उमर प्यार फरमा रहे ने। तवज्जो रखिया जे, एक दिन हजरत उमर फारूक मेरे ते तेरे करीम नबी लजपाल नबी दे मिंबर ते बह के, ओ कायनात दे लोको अल्लाह दी ओ दे रसूल दियां शाना बयान फरमा रहे ने। सामने ओ हजरत इमाम हुसैन या हसन पाक आ जांदे ने। हजरात आके फरमान लगे, ऐ उमर जानना है ऐ मिंबर किदा है? जिस मिंबर ते बह के शाना बयान फरमा रहे हो, मिंबर दा मालिक कौन है? उमर फारूक दियां अखां चो आंसू जारी हो जांदे ने। आपने अर्ज की थी, या हुसैन पाक तुहाडे नाने दा मिंबर है। सिर्फ एथों तक ही गल नहीं रही हजरात गिरामी,
आखे नाने का मिंबर है नाने दिया शाना बयान कर रहा वा। आपने फरमाया अगर नाने का मिंबर है फिर नीचे उतर जाओ। हजरत उमरे फरोक एक सेकंड तो पहला नीचे उतर जाते ने। हजरत हजरत मामे हुसैन पाक ने फरमाया फिर मिंबर दे तशरीफ फरमायो जाओ। आ फिर मिंबर दे बैठ के फिर हजूर दिया शाना ते रब दिया शाना बयान फरमा रहे ने। हजरत हुण जुमला बयान नहीं फरमा रहे ने, रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। सैयद हुसैन पाक दी बारगाह दे अंदर अर्ज गुजार होए ने, ए हुसैन मैनू समझ नहीं लगी, खुद पे नीचे उतार दे यो, खुद मिंबर ते पे बैठा दे यो। हुसैन पाक ने फरमाया जे वेखना चाहना सा मेरे नाने दे हुंदियां प्यार कर दे रे यो, या नाने दे जान तो बाद ही साडे नाल प्यार कर दे। नाने दे जान तो बाद भी साडे नाल प्यार करदे हो। आओ हजरात गिरामी उमरे फरोक दियां चीखां निकल जांदियां ने, अखां चों आंसू जारी हुंदे ने। आपने फरमाया या हुसैन पाक सुनिया जे, मैं तुहाडे नाने दा गुलाम आ, मेरे बच्चे तुहाडे नाने दे गुलाम ने। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम ए, उमर दे जिस्म दा एक एक बाल भी तुहाडे नाने दा गुलाम ए। आखिया उमर दे जिस्म दा एक एक बाल भी तुहाडे नाने दा गुलाम ए। ते फिर तर्जमा ना कर लई अपनी जुबान दे अंदर। ते आ फिर उमरे फरूक आई कहंदी होणगे अजमत आले नबी, ना यार मिल के जरा सिहाबा वाला कीता बयान कर रही हूं, सिहाबा दी शान बयान कर रही हूं, उमरे फरूक दा मुकाम बयान कर रही हूं वा। ते आप दी मोहब्बत अहले बैत हुसैन पाक नाल जड़ी मोहब्बत बयान कर रही हूं, अजमत आले नबी बोल न जाना लोगो, पढ़ो यार अजमत आले नबी बोल न जाना लोगो, पढ़ो यार अजमत आले नबी। भट साहब जड़ा मेरे हुसैन नाल प्यार करेगा, मेरे करीम नबी ने फरमाया मैं ओदे नाल प्यार करांगा। जड़ा हुसैन दी मोहब्बत दिल च रखेगा, मेरे आका ने फरमाया मैं उन्हूं अपने दिल दे अंदर रखांगा। इस वास्ते अज हुसैन ते हुसैन दे बच्चियां दी मोहब्बत दा तज़करा करिया जे, अजमत आले नबी। आओ हजरात हुसैन बादशाह दा एक मुकाम बयान करके तकरीर वाइंड अप करना चाहना, तवज्जो रखिया जे। एक दिन मेरे ते तेरे करीम नबी लजपाल नबी ने वेखिया बच्चे पे खेलदे ने मदीने दी ग्राउंड ए। हजरात बच्चे पे खेलदे ने, एक बच्चे नु मेरे करीम नबी लजपाल नबी ने अपने कोल बुला के हजरात ओदे नाल प्यार फरमा रहे ने, कदी मेरे आका सीने ला रहे ने, कदी पेशानी दे बोसे दे रहे ने, कदी मेरे आका ओदे रुखसार चुमरे ने। सहाबा ने अर्ज कीती लजपाला कमली वालिया मदीने दिया ताजदारा, बड़े बच्चे खेले ने लेकिन किसे नाल इंज प्यार नहीं कर रहे, जिवें इस बच्चे नाल प्यार फरमा रहे हो, आखिर माजरा की है, वजह की है, केड़ी वजह नाल प्यार कर रहे हो। आओ हजरात हुसैन पाक दा प्यार लैके बैठन वाले मेरे करीम नबी ने फरमाया क्योंकि मेरे पुत्र हुसैन दा यारे इस
इस वास्ते प्यार पिया करना मेरे पुत्र हुसैन दा यार है, जिथे जिथे मेरा पुत्र हुसैन कदम रखदा है मिट्टी नु चुमदा है, कदी अखां दे नाल लांदा है कदी पेशानी ते रगड़दा है, अपनी मां नु एक दिन मिट्टी जाके लेके दे के इकट्ठी करके जाके कहन लगा अम्मा मिट्टी नु जाया ना करे, आजे मिट्टी नु संभाल के रखे आजे, जिस वेले मेरा आखरी वक्त आ जाए रोक से उन सिरे तो परवाज कर जाए, फिर मिट्टी मेरे कफन दे अंदर रख दे आजे, जिस वेले कब्र दे अंदर जाके फरिश्ते कहणगे केड़ी कमाई करके आया केड़े अमाल करके आया है, अर्ज करांगा फरिश्ते होर कोई कमाई नहीं करके आया, मैं सैयद हुसैन दे जुतियां नु लगी खाक लेके आ गया, सैयद हुसैन दे पैरां नु लगी मिट्टी लेके आ गया वा, ते आओ हजरात गिरामी फिर सीने दा ढिल ला के मैं चंगरी छोड़ रहा वा, ऐ ही मिल के गांगे अजमत आले नबी, सीने दा ढिल लाके मुहर्रम दा महीना यार आए, फिर सहाबा दी अजमत वाला महीना गुजर रिया, यकम मुहर्रम नु मेरे फरोक दी शहादत दा देने, इस वास्ते जरा सीने दा ढिल लाओ, मेरे फरोक भी हुसैन नाल प्यार करदे रहे ने, असी भी सुन्नी हुसैन नाल प्यार करने, अजमत आले नबी लोगो, थोड़ा जिहा होर सीने दा ढिल लाओ, मुंह खोल के पढ़ो अजमत आले नबी, हाँ आले नबी, अजमत आ एक वरी हाथ ऐठे होने चाहिए ने, सीना जरा अगे बचना चाहिदा है, पता चले के सहाबा दे भी गुलाम बैठे ने, हजूर दी आल दे भी गुलाम बैठे ने, सैयद हुसैन नाल प्यार करन वाले बैठे ने, हजरात असी अंदरों भी हुसैनिया बाहरों भी हुसैनिया, इस वास्ते हथ खड़िया करके किसे बंदे दा हथ नीचे नहीं होना चाहिदा, ऐ हथां ने कल कियामत वाले दिन गवाई पेश कर लिया ने, हजरात कोई किसे दी गवाही पेश करेगा, कोई किसे दी गवाही देगा, ऐ मेरे ते तेरे बाजू जड़े ने हजरात सैयद हुसैन दी मोहब्बत दी गवाही देंगे, उमरे फरूक दी मोहब्बत दी गवाही देंगे, समाने गनी दी मोहब्बत दी गवाही देंगे, अलीए पाक दी मोहब्बत दी गवाही देंगे, सदीके पाक दी मोहब्बत दी गवाही दे के आई कहेंगे अजमत आले नबी, मैं छड़न लगा जरा मेहरबानी अजमत आले नबी, जाना लोगो हाथ थले नहीं करने, अजमत आले नबी, पिछले बंदे ते अल्लाह वास्ते आए ने, अल्लाह दिया अमानतां ने उन्होंने हाथ नहीं चुकने, हजरात मैं किसे दुनियादार दी वजह नाल हाथ नहीं चका रहा, किसे एमपीए दे हाथ नहीं चका रहा, किसे हजरात वजीरे आजम दी शान बयान करके हाथ नहीं चुका रहा, मैं हाथ उन्हां दियां शानां बयान करके चुका रहा वा, जिन्हां दी वजह नाल इस्लाम नूं हिफाजत मिली है, जिन्हां दी वजह नाल इस्लाम इज्जत मिली है, अज हजरात मस्जिदां दी अंदर अजान हो रही है, उमरे फरोक ते हुसैन दी वजह नाल हो रही है, अज मस्जिदां दी अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, हुसैन पाक ते उमरे फरोक दी मोहब्बत दी वजह नाल पढ़ी जा रही है, हजरात अज मैं ते तुसी कलमा पढ़ के मुसलमानां
दे घर पैदा होए हां ए सारा क्रेडिट उमरे फरोक ते हुसैन पाक नु जांदा ए हजरत अगर मेरा मां बाप ते तुहाडा मां बाप मुसलमान ए क्रेडिट हजरत उमरे फरोक ते हुसैन पाक नु जांदा ए इस वास्ते बार वाले बंदे भी हाथ खड़े करो नहीं ते हजरत अल्लाह ही पूछेगा मैं कुछ नहीं कह सकदा हजूर दी आल दी मोहब्बत दी अंदर सहाबा दी मोहब्बत दी अंदर हुण वेखणा ईमान वाला केड़ा ते बेईमान केड़ा है असी सारे ईमान वाले बैठे हां इंज हाथ खड़े कर लो पिछले बंदे भी करो अजमत ए आ ले नबी अजमत ए आ ले नबी मेरे सामने कई बंदे हलां भी हाथ खड़े नहीं कर रहे मैं ही उन्हां वास्ते दुआ करना अल्लाह ने तुहाडी मां नूं इज्जत दित्ती है सैयद हुसैन दी वजह नाल दित्ती है तुहाडे बाप नूं इज्जत दित्ती है सैयद हुसैन दे उमरे फरोक दी वजह नाल दित्ती है ते जे पाक मावां दा दुध पीता ही तुहानूं तुहाडी मावां दी मुहब्बत दी लाज है तुहाडियां मावां दा वास्ते हाथ थल्ले ना रखिया जे ते अगर मां दा वास्ता भी तुहानूं काबले कबूल नहीं ते मदीने वाले दा वास्ता दे के अपनी तकरीर दा खता इख्तिताम कर रहा वां तुहानूं मदीने वाले दी कल कियामत वाले दिन शफात नसीब हो जाए जड़ा जड़ा बंदा हाथ खड़िया करके अजमत रसूल बयान करे अजमत सहाबा बयान करे अजमत आले रसूल बयान करे अजमत अज़वाजे रसूल बयान करे अजमत ले नबी बोलना जाना लोगो अजमत ले नबी बोलना जाना लोगो देखना गैर की बातों बातों में नया ना लोगो अजमत हजरात गिरामी अल्लाह शबाज साहब तुम सलामत रखे हजरात गिरामी यकम मुहर्रमुल हराम मस्जिद के अंदर शहादत सैयदना उमर फारूक दी ऐसे हवाले दे नाल चंद कड़ियां गुफ्तगू करन दा मौका मिलिया तुसी बड़ी मोहब्बत व अकीदत दे नाल समात कीता हजरात आखरी ऐलान समात फरमा लो यौमे सैयदना उमर फारूक दे हवाले दे नाल असी अपनी मस्जिद दे अंदर एक अजीम शान महफले शाने सैयदना उमर फारूक व शाने मौला हुसैन पा करवा रहे हैं 9 अगस्त रोज सोमवार बाद नमाज़े ईशा ओ खतीब नूं दावत दित्ती है कि जड़े अज तो पहला इस्लामाबाद तो सियालकोट पहला तशरीफ नहीं लैके आए इस्लामाबाद का अजीम मुफक्किर अजीम मुफ्ती अजीम मज़हबी स्कॉलर हजरत किबला वकाबा मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती प्रोफेसर फतेह मुहम्मद अलवी सियालवी दामत बरकातुल कुदसिया वलालिया तशरीफ लिया रहे ने मैं इंतहाई अदब नाल गुजारिश करांगा मैं टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता टाइम मेरा मुकम्मल हो चुके है तुसी सारे ही दिल दे नाल वादा कर लो कि असी ईशा दी नमाज पढ़ के ते मस्जिद दे अंदर बह के मुकम्मल महफल सुन के ते फिर वापस इंशाअल्लाह अज़ीज़ कह लो मैं अहले मोहल्ला नूं खुसूसन मुहब्बत अकीदत दे नाल अपनियां नजरां झुका के दिलों एहतरामन अर्ज करांगा कि तुसी मेरी इज्जत बढ़ानी है ते तुहाडी वजह नाल मेरी इज्जत घटनी है
अल्हम्दुलिल्लाह तुसी गटन नहीं दबोगे, मेरी इज्जत नूं हमेशा दी तरह बढ़ा के रखोगे। हजरात महल्लेदार अगर पहला तशरीफ फरमा होंगे ते फिर आने वाले लोग कहेंगे कि यार वाकियतानी चिश्ती साहब दे जड़े मुक्तदी ने नमाजी ने हुसैन दे भी गुलाम ने ते उमर फरूक दे भी गुलाम ने। हजरात यारा नौ अगस्त बरोज सोमवार बाद नमाज इशा फौरन एक तिलावत एक नात फौरन बाद हजरात गिरामी असी अलामा साहब का खिताब शुरू करांगे। 12 बजे तो पहला पहला महफिल पाक का लास्ट 12 बजे तक इख्तिताम होगा। तुसी सारे अहबाब मुहब्बत ना तशरीफ ले आया जी, तुहाडे कोल होर कोई डिमांड नहीं, इक्को ही डिमांड है कि तुसी वक्त दे नाल तशरीफ ले आया जी, मेहरबानी होगी। यौमे फरूक आजम मनाओ ताकि पता चले असी फरूक आजम दे गुलाम आ, सहाबा दे गुलाम आ, हुसैन पाक दे गुलाम आ। हजरात गिरामी मैं मुहब्बत भरी नजर के नाल सोमवार वाले दिन तुहाडा इंतजार करांगा। तुसी मस्जिद दे अंदर तशरीफ लियाओगे, जाना उदों है जदों आखिरी दुआ होगी। अदुआओ मुखल इबादा, इबादत का मगज जड़ा है दुआ के अंदर होता है। असी दुआ तो पहले ही नठ जाने, असल जड़ा मगज है, असल चीज जड़ी है दुआ के अंदर मिलनी है। इस वास्ते दुआ के अंदर तमामी अहबाब ने शिरकत करनी है।